हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वाईफाई स्टडी में स्वागत है, द चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में। तो यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। और ये हमने जो है टॉपिक क्यों चूज़ करा है, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धना, वो उन्होंने ये नया जो है कैंपेन लॉन्च किया है, दैट इज़ टीबी हारेगा एंड देश जीतेगा कैंपेन। अब अगर हम इस कैंपेन की बात करें तो ये कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि टीबी के ऊपर एक नेशनल रिपोर्ट आई है और उसी के बिहाफ पे उन्होंने ये लॉन्च किया है। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें टीबी को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो इसी के चलते जो है ये एक सर्वे हुआ था, जिसके चलते हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो है इसको ख़त्म करेंगे, इंडिया में से जड़ से इसको निकालेंगे। और अगर मैं आपको बता दूँ तो इंडिया में जो है एस्टिमेटेड, अगर हम बात करें तो इंडिया में एस्टिमेटेड जो टीबी इंसिडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो इंडिया में आज की डेट में जो एस्टिमेटेड टीबी इंसिडेंट्स हैं, मतलब जिन टीबी लोगों को, कितने लोगों को हो रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2018 में 27 लाख लोग थे। और ये जो है इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है उसके ऊपर 25% जो है पूरे वर्ल्ड का जो है टीबी का बर्डन है। और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि हमें अपने देश को टीबी से मुक्त करना है, आज़ाद कराना है टीबी से। और अगर हम बात करें कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे इफ़ेक्टेड हैं, उनमें से 89% जो हैं उनका एज ग्रुप बच्चे बहुत ही कम है, दैट इज़ 15 to 69 ईयर्स। ये वो पॉपुलेशन है जो कि इंडिया का, आप ये कह सकते हैं इंडिया में क्या करने वाली है, इंडिया में काम करने वाली पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को इस चीज़ से मुक्त कराया जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो स्टेट लेवल डेटा की, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि इंडिया में जो है 27 लाख केस जो हैं टोटल टीबी के पाए गए हैं, जिसमें 21.5 लाख जो टीबी केसेस हैं वो आपके जो है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर जो है 2018 में पाए गए हैं। मतलब 18% का सीधा जो है चेंज देखा गया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे जैसे सिस्टम्स हैं जो कि ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम क्या है नक्शे सिस्टम, वो भी हमें बताता है कि हमारी कंट्री में जो है 16 से 18% टीबी के केसेस बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लोग हैं वो इस बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मेन मुद्दा जब भी कोई हेल्थ डिजीज को लेके आता है वो ये आता है कि लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं, उनको पता रहता है तब भी वो कई बार इग्नोर कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे ही होते हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए जो है वो उस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि स्टिल 5.5 लाख जो टीबी पेशेंट हैं वो जो है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, आइदर ड्यू टू देयर ओन प्रॉब्लम या फिर इसलिए क्योंकि जो है उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो अगर हम डेटास की बात करें कि स्टेट लेवल डेटा जो है टीबी के केसेस पे क्या है, तो सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आपके पाए गए हैं यूपी में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 17 से 20% जो है अपनी कंट्री के केसेस को लेके चलता है। मींस अप्रॉक्सीमेटली 187 जो केसेस है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, वो कहाँ पाए जाते हैं आपके, वो बच्चे मिलते हैं आपके यूपी में। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट्स का बहुत बुरा हाल है टीबी को लेके, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान हो गया आपका, दिल्ली हो गया, इन सब में एक इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन अगर आप ये बात करो कि इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज करे हैं, तो वो एक ही है और उसका नाम क्या है बच्चे, ओडिशा है उसका नाम। सिर्फ ओडिशा में नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज देखने को मिले हैं, बाकी सबने तो जो है क्या किया हुआ है, ये देखा है कि हाँ जी हमें फर्स्ट आना है, हमें फर्स्ट आना है। और इसी में टॉप किसने किया, आपका यूपी ने किया। इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं वो रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि बेस्ट परफॉर्मर्स क्या रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ये ज़रूर पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने डिक्लाइन शो किया, या फिर हो सकता है यूपीएससी आपको दे दे ओडिशा,
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें नंबर ऑफ़ केसेस डिक्लाइन कर गए हैं। तो आंसर गलत होगा, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा में नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो डिक्लाइन करे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं यूटीज़ की बात करूँ, जैसे कि हमारी नेशनल कैपिटल की बात करूँ, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि टीबी का शिकार हो रहे हैं हर साल, और हर साल जो ये है नंबर बढ़ता जा रहा है। और अगर स्टेट्स का कोऑपरेशन नहीं मिला तो टीबी जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या एफर्ट्स किए गए हैं इस टीबी की इंक्रीजिंग डिटेक्शन को जो है कम करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या सरकार नोटिफिकेशंस लेके आई है। तो इसमें से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन को इजी करने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि हम ऑनलाइन नोटिफिकेशन देंगे कि हाँ इतने केसेस बढ़ गए हैं, इतने केसेस कम हो गए हैं। इसके अलावा सरकार क्या कहती है कि इन केसेस की जो नोटिफिकेशन है उनको बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाएगा ताकि टीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सके, और जो RNTCP है वो आपका प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट करके ये फाइंड आउट करेगा कि किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि पहला जो है काम क्या है, लोगों तक पहुंचना। अगर आप एक बार लोगों तक पहुंच गए तभी तो आप उनको समझा पाएंगे, तभी तो आप उस टारगेटेड पॉपुलेशन को बता पाएंगे कि आपको टीबी से कैसे लड़ना है, ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया है, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी किए गए हैं। इस एक्टिव केस फाइंडिंग के अंदर चलते जो आपकी सरकार है उसने 14.4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जो लोग हैं उनको पाया गया है कि वो जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा घटिया कंडीशंस में रह रहे हैं, और जिसके चलते उनको टीबी के होने की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने बहुत सारे जो है आप ये लगा सकते हो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि पहले उन लोगों का पता लगाया जा सके जो कि टीबी से जो है पीड़ित हैं। तभी यहाँ पे जो लिखा गया है वो ये है कि किस तरह से उनके नंबर का पता लगाया जाना चाहिए कि कौन कौन लोग जो है वो टीबी का शिकार है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टीबी, हमने बात तो कर ली कि ये जो है करा गया, लेकिन एक्चुअल में टीबी है क्या, है बीमारी क्या है, तभी तो हम बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि डॉट्स नाम का आपको सबको पता होगा, बचपन से देखते आए होंगे कि राहुल द्रविड़ उसकी मार्केटिंग करता था, प्रमोशन करता था कि डॉट्स नाम की बीमारियाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं, उनको आप जाके ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि टीबी होता क्या है। तो टीबी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, वो आपका क्या है, हवा से होने वाली बीमारी है। और किस तरह की बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, हवा से होने वाली बैक्टीरियल बीमारी है, जो कि आपकी ये जो आपको बड़ा सुंदर सी चीज दिख रही है ये आपका बैक्टीरिया है, इससे होती है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जैसे कि मैंने आपको हेल्थ एंड डिजीज की क्लास में बताया था कि मोस्टली जो बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं उनका जो है बैक्टीरिया का नाम उनके ही नाम में छुपा होता है, बीमारी के नाम में। तो जैसे कि यहाँ पे इसका नाम ही छुपा हुआ है इसमें कि ये क्या आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से, वायरस से, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है आपकी, ये बेस्ट बॉडी ऑर्गन्स में क्या करती है, आपके ऑक्सीजन और ब्लड के साथ साथ बढ़ती रहती है ये। और ये सबसे ज़्यादा आपको किसको इफ़ेक्ट करती है, लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, और लंग्स को ये क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। तभी जिस पर्सन को टीबी होता है वो क्या करता है, खांसता रहता है, ठीक है। और ये बीमारी, वो पर्सन खांसेगा तो खांसने किसे क्या होगा, जो भी उसके जर्म्स होंगे वो जो है हवा से उड़ के दूसरे पर्सन तक जाएंगे, और जब दूसरा पर्सन इनहेल करेगा या फिर दूसरा पर्सन जो है हैंकी रख के कफ कर रहा तो वो उसके अंदर चले जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है अपने हाथों को क्या करो, वॉश करो जब भी खाने से पहले। तभी वॉश इनिशिएटिव का भी लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने जब पोषण अभियान की क्लास करी थी तब किया था। इसके अलावा जब हम छींकते हैं तब भी ये बीमारी हो सकती है। तभी जब छींकते हो, जब कफ आती है तो हाथ पे
जो है हैंकी वगैरह रख के करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद स्पिट करने से, स्पिट क्या होता है, जैसे थूक दिया इधर इधर कहीं भी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो थूक दिया तो उससे क्या होगा, जब दूसरा पर्सन वहाँ से जा रहे हैं तो हो सकता है बैक्टीरिया जब वो इनहेल करे तो उसके साथ जो है बैक्टीरिया अंदर चला जाए। तभी ये किसको इफेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को इफेक्ट करता है जो कि है लंग्स। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीमारी हो सकती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों में होता है जो कि ऑलरेडी HIV से इफेक्टेड होते हैं, या फिर अंडर न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ और स्मोकिंग, या फिर एल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उनमें ये ज़्यादा रहता है। और ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पनपता है, ये वहाँ पनपता है जहाँ पर अंधेरा है, डार्क और डैम्प एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ये ज़्यादा तेज़ी से पनपता है, ठीक है। तो ये जो है कहानी है आपकी टीबी की। अब हम बात करते हैं कि टीबी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर टीबी की प्रिवेंशन की बात करो तो टीबी की प्रिवेंशन के लिए आपके पास जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG वैक्सीन। तो टीबी के लिए आपके पास कौन सा जो है वैक्सीन है, BCG वैक्सीन, जो यूजुअली बच्चों को लगाया जाता है ताकि उनको जो है सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी ना हो सके। इसके अलावा दो और अदरवाइज जो है, अगर बात करें बच्चों के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि एडल्ट्स के लिए क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका आंसर होगा नो। तो UPSC अगेन यहाँ पर ट्रैप दे सकती है कि एडल्ट्स के लिए BCG वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है बच्चे सिर्फ बच्चों के लिए है, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए है, एडल्ट के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। BCG जो है वो एडल्ट्स पे काम नहीं करता, सिर्फ छोटे बच्चों पे ही काम करता है। उसके अलावा न्यू जनरेशन जो नए जो WHO रिकमेंड करती है ड्रग्स को, वो कौन से हैं आपके, वो है आपके बेडाक्विलिन एंड डेलामेंट। अब इन दोनों ड्रग्स की बात करी जाए तो ये तभी इफेक्टिव है अगर टीबी का जो है इनिशियल स्टेज में पता लग जाए कि हाँ इस पर्सन को टीबी है, या फिर टीबी होने के लक्षण हैं, तभी जो है इन दो ड्रग्स का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है टीबी को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो है WHO द्वारा रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो वो प्रचार करता था डॉट्स का, डॉट्स होता क्या, इट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, छोटा सा एक कोर्स होता है जो कि ग्लोबलाइज रिकॉग्नाइज किया गया और बहुत ही कम दाम पे मिलता है। इनफैक्ट इंडिया में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सिर्फ इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि डिजीज़ जो है TB जैसी उसकी बीमारी का आप बर्डन जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद सरकार ने भी काफ़ी सारे जो हैं योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे कि निक्षय पोषण योजना होगी, जो ये कहता है कि लोग जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और वो ये एश्योर करते हैं कि टीबी पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सके। और इस स्कीम के अंडर पहले वो रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर वो 500 रुपया प्रति मंथ जो है उनको देंगे जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है टीबी का तब तक, ठीक है। कितना पैसा देंगे, 500 रुपये प्रति महीना देंगे। इसके अलावा हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि एक ओरल किट, ओरल क्या होता है मतलब मुंह के अंदर डालने वाली जो है किट मिलेगी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स को। मल्टी ड्रग टीबी रेजिस्टेंस पेशेंट्स कौन होते हैं, जो कि बहुत सारे ड्रग्स ले चुके हैं बट वो ड्रग्स इफेक्टिव नहीं रहे हैं, उन पेशेंट के ऊपर जो है उनको एक किट दी जाएगी, और ये इंजेक्शंस नहीं होंगे, ये ओरली खाने वाली मेडिसिन दवाइयाँ ही होंगी। इसके अलावा सरकार ने क्या कहा है कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम असिस्टेंस में क्या प्रोवाइड करेंगे, $400 प्रोवाइड करेंगे, वर्ल्ड बैंक जो है इसके साथ मिलके 400 मिलियन जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है इसके लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो टीबी है उसको 9 स्टेज से मुक्त किया जा सके। और इसमें जो है कोलैबोरेशन किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का। तो अगेन ट्रैप बनता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर भी जो है टीबी को हेल्प इरेडिकेट करने में मदद करेगा, तो डेफिनेटली बच्चे प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन कर्बिंग द टीबी। और इसके साथ असिस्टेंस किसका जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक का। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है वर्ल्ड बैंक, इंडिया और प्राइवेट सेक्टर मिलकर टीबी को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैंने BCG वैक्सीन की बात करी थी और वो है आपका जो डॉट्स के ऊपर पूरा बना होता है, दैट इज़ पूरा कोर्स पक्का इलाज, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में दिया जा सकता है, बाद में तो है पर्सन की डेथ अनिवार्य है।
जैसे कि इराडिकेट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, टीबी को इराडिकेट करने के लिए सरकार ने 1962 से ही जो है प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन वो प्रोग्राम्स इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कि लोग जो है उनको पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए सरकार ने फिर से एक प्रोग्राम लेके आया था 1997 में, दैट इज़ रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके चलते अगेन उनका यही जो मानना है कि हमें क्या करना है, हमें टीबी ट्रीटमेंट देना है एटलीस्ट 85% उन लोगों को जो कि टीबी के शिकार हैं, और हमें जो है एटलीस्ट 70% जो है 85 से उसको 70% रिड्यूस करना है लोगों को। तो ये इसका मकसद था, ये भी अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। तो फिर सरकार ने ऑफ कोर्स एक नया प्रोग्राम लेके आई होगी, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन, कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी किस तरह से टीबी को एलिमिनेट किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने किसके साथ मिलकर काम करा है, WHO के साथ और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी ये है कि हमें हेल्थ पे फोकस करना है। तो हम अगर बात करें कि चार स्ट्रैटेजिक पिलर्स कौन से हैं, स्तंभ कौन से हैं जिनके ऊपर ये बेस है, सबसे पहला है डिटेक्ट करना, उसके बाद उसको क्या करना, ट्रीट करना, क्योंकि पहले पता लगेगा तभी तो उसको ट्रीट करोगे, फिर उसको रोकना, फिर उसके अगेंस्ट मेजर्स अडॉप्ट करना, दैट इज बिल्ट। तो हमारा क्या प्रोग्राम है, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। और इसका जो है काम क्या है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, और इसमें स्पेशल जो टारगेट्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि हमें जो है क्या करना है, 2015 के कंपैरिजन में 80% जो है टीबी के केसेस को रिड्यूस करना है, इसके अलावा 90% जो टीबी की मोर्टैलिटी है उसको कम करना है, और 0% जो है पेशेंट्स हैविंग द कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू टीबी, क्योंकि टीबी के कारण कई लोगों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है तो हमें उसको कम करना है। तो ये जो है इनकी स्ट्रैटेजी है जिस पे ये वर्कआउट करने का प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार जो है क्या जो है लेके आती है, किस तरह से सरकार जो है इस पे काम करती है, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाई गई नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीतियाँ तो आपको भी पता है इंडिया में बहुत बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन होने पे डिपेंड करता है कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके साथ हम जो है इस सेशन को ख़त्म करते हैं, जो हमारा सेशन स्पेशल सेशन था टीबी के ऊपर, और हम और ऐसे बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं हम कुछ अच्छा सा सेशन लेके आएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा कि हाँ मैम आप ये सेशन लेके आएं, ताकि आपको मदद मिल सके, और हमें भी बच्चे तभी मदद मिलेगी जब आप हमारे कोर्सेज को लाइक करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और जो हमारा मिशन है कि हमें एजुकेशन को हर लोगों तक पहुंचाना है, उसमें हमारी मदद करिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।